नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री काशी पर सौगातों की बौछार करने वाले हैं। इन्हीं सौगातों में से एक है अक्षय पात्र किचन। वाराणसी में तैयार किए गए इस विशालकाय किचन में 1,00,000 बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाएगा। अक्षय पात्र किचन में कई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस किचन में लगी रोटियां बनाने की मशीन से केवल 1 घंटे में 40,000 रोटियां तैयार हो जाएंगी। 15,000 वर्ग मीटर में बनाए गए अक्षय पात्र के किचन को बनाने में 24 करोड़ रुपए की लागत आई है। वाराणसी में किस तरह की तैयारियां हैं पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर, इसकी जानकारी मेरे सहयोगियों से लेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी पर फिर होगी सौगातों की बरसात। महादेव की नगरी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए फिर तैयार है। यूपी विधानसभा चुनाव जीत के करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी आज वाराणसी आ रहे हैं। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 4 से 5 घंटे रहेंगे, लेकिन इस छोटे से वक्त में काशी पर तोहफों की ऐसी बारिश होगी कि इसका असर सालों तक नजर आएगा। इसमें सबसे अहम है अक्षय पात्र मिड डे मील सेंटर का उद्घाटन। लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला सेंटर 24 करोड़ की लागत से बना है। यहां पर घंटे भर में 40,000 रोटियां पक सकेंगी, एक साथ 1,00,000 बच्चों का खाना बन सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई तोहफों से नवाजने वाले हैं। उनमें से एक चर्चा का विषय बना हुआ है अक्षय पात्र। ये अक्षय पात्र जो है, ये किचन है, ये बिल्डिंग मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनी हैं कि यहाँ पर 1 से 1.5 लाख बच्चे मिड डे मील के टाइम पे एक साथ भोजन कर सकते हैं। इतना स्पेस इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 1 घंटे में, आप मानकर चलिए 1 घंटे में यहाँ पर 40,000 रोटियाँ पक सकती हैं। यहाँ कल से 25,000 बच्चों के भोजन से शुरुआत होगी। 6 महीने बाद 1,00,000 बच्चों का भोजन बनेगा। पहले चरण में सेवापुरी के स्कूलों में खाना पहुंचाया जाएगा। वाराणसी को आज पीएम मोदी जो तोहफा देने वाले हैं, उसमें वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित ये थीम पार्क भी है। ये वृद्ध और अशक्त महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। इस तोहफे से यहाँ की महिलाएं काफी खुश हैं। दादी सुनाएंगी लोरियां और पोतों की गूंजेंगी किलकारियां। कुछ ऐसा होगा वाराणसी का थीम पार्क। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे, ये थीम पार्क है राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला तथा शिशु गृह दुर्गा कुंड में ये स्थित है। इसकी खास बात यह है कि अभी तक यहां पर केवल वृद्ध महिलाएं रहती थी, पर अब यहां पर छोटे छोटे बच्चे आएंगे जिनकी किलकारियां यहां पर गूंजने वाली हैं। पर इसकी तैयारियां पुरजोर हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं जो यहां रहते हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, समझूंगा कि आखिर जब छोटे छोटे बच्चे आएंगे तब कैसा माहौल यहाँ पर होने वाला है। छोटे छोटे बच्चे लेके आते दानी लोग, बहुत अच्छा लगता, दौड़ते हाल में खेलते हैं तो अच्छा लगता है। लोरी सुनाएंगे दूर से बैठ के, मतलब हाथ में नहीं पकड़ेंगे तो देखिए ना मेरा हाथ पैर टूटा हुआ है, सर जानते हैं, लेकिन अब मुंह से अच्छी बातें बोलेंगे ना उनको। ओ चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झूलाए नीले गगन पर, चल रे बचुआ। बहुत है तो उनको ऐसा सुनाऊंगी आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में लहरतारा से चौका घाट तक करीब 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में नाइट बाजार का भी उद्घाटन करेंगे। इस बाजार के लिए छोटे छोटे कियोस्क बनाए गए हैं, जिसमें बनारस के खानपान और हस्तशिल्प की दुकानें होंगी। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर दशाश्वमेध भवन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। करीब 29 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में एक व्यावसायिक भवन बनाया गया है, जिसमें काशी के खास व्यंजन और हस्तशिल्प एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। पीएम के इस दौरे में वाराणसी को कुल मिलाकर 1800 करोड़ का तोहफा मिलने वाला है। शिल्पी सेन के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।